बिहार में सत्ता पलट गई। जो एक दूसरे को कोस रहे थे वो अब एक दूसरे के मित्र बन गए। जो मित्र थे उन्हें अब अपने पूर्व मित्र को कोसना होगा। कुछ यही हाल नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद अब साफ हो चुका है। ये भी साफ हो गया कि कौन सीएम होगा, कौन उप सीएम होगा। तो बता दें कि बिहार में एनडीए के समर्थन से नीतीश के नेतृत्व में बनने जा रही सरकार में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दो उप मुख्यमंत्री होंगे। विधानसभा में सम्राट चौधरी भाजपा के नेता होंगे, जबकि विजय सिन्हा को विधानसभा में उपनेता बनाया गया, यानी एनडीए के नेता नीतीश कुमार ही रहेंगे। बिहार में राजनीतिक ड्रामा का पटाक्षेप हो गया। बिहार में कुछ दिनों से जो राजनीतिक कयास लगाए जा रहे थे वह क्लाइमेक्स पर पहुंच गया। मुख्यमंत्री नीतीश राजभवन पहुंचकर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को महागठबंधन समर्थित सरकार के समर्थन से बने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। सरकार गिनाने के बाद नीतीश कुमार का अंदर का प्रेम उमर पड़ा और एनडीए के लिए जहां मक्खन वाली नीति लग गई, तो दूसरी तरफ INDIA और लालू की पार्टी पर जबरदस्त हमला बोला और कहा कि ये लोग तो काम ही नहीं करने दे रहे थे। इधर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने जानकारी दी कि नई सरकार के लिए बीजेपी ने अपने नेता और उपनेता का चयन कर लिया है। यानी बीजेपी ने फटाफट एक बैठक बुलाई और उसमें अपने नेता और उपनेता का चयन कर दिया। तो कुछ सरकार जो नई बनानी है, सुनिए आखिर विनोद तावड़े ने क्या कुछ जानकारी दी। मन की बात का कार्यक्रम सुन रहे थे, उसके पश्चात विधायक दल की बैठक हुई। उस विधायक दल की बैठक में हमारे सीनियर विधायक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय नंद किशोर यादव जी ने प्रस्ताव रखा, जिस प्रस्ताव का डॉक्टर रमेश कुमार जी, डॉक्टर प्रेम कुमार जी, भागरथी देवी, जनक राम जी और नितिन दविंग जी ने समर्थन दिया और सभी विधायकों ने एक मत से वो प्रस्ताव पारित किया, जिस प्रस्ताव में भाजपा, जदयू, सभी एनडीए के मित्र पक्ष मिलकर एनडीए की सरकार बिहार में बनाई जाए, बिहार के बिहारवासियों के हित के लिए ये सरकार बने और भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता के नाते सम्राट चौधरी जी का चयन किया गया और उपनेता के नाते श्रीमान विजय सिन्हा जी का चयन किया गया है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बाकी के हम और ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करके रखें वन इंडिया हिंदी को।